प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को मुकम्मल करने के लिए नगर परिषद सोलन के अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कार्यशाला के माध्यम से जागरूक किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता अर्बन डेवलपमेंट के डायरेक्टर राम कुमार गौतम ने की। सोलन में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नगर परिषद के कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना रहा। इस कार्यशाला में शहर में स्वच्छता व्यवस्था सुचारू बनाए रखने सहित यहां की सीवरेज व्यवस्था की कमियों पर चर्चा की गई और साथ ही उसके समाधान की भी बात कही गई। कार्यशाला में नगर परिषद के अध्यक्ष सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए अर्बन डेवलपमेंट के डायरेक्टर राम कुमार गौतम ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से सभी को स्वच्छता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के ना प्रयोग करने के बारे में भी कार्यशाला में हिदायत दी गई। साथ ही उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि स्वच्छता अभियान में अव्वल आने के लिए उचित कार्य करें। आज सोलन में इसलिए हम इकट्ठा हुए थे कि इस पर चर्चा की जाए कि सिस्टम को सस्टेन कैसे करना है, ताकि आने वाले समय में जो है हमारा कूड़ा कचरा प्रबंधन जो है वो अच्छे तरीके से सस्टेनेबल हो सके। इसी संदर्भ में सरकार ने भी एक पॉलिसी नोटिफाई की है जिसमें 75 रुपये पर kg जो है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जो रिसाइकल नहीं होता उसके खरीदने का जो है वो ULBs को जो है वो माध्यम बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति या रैग पिकर जो है वो प्लास्टिक जो इकट्ठा करके जैसे कुरकुरे के पैकेट, चिप्स के पैकेट, टॉफ़ी के रैपर्स या पैकेजिंग मटेरियल जो था उसको ला के हर एक ULB में जो दे सकता है। यहाँ पर कलेक्शन सेंटर जो खोले गए हैं और वहाँ पे तोल के जो है उसको लिया जाएगा और साफ़ सुथरा मटेरियल होगा और फिर उस मटेरियल को जो है वो सीमेंट फैक्ट्रीज को जो एज ए फ्यूल जो है वो भेजा जाएगा। सीमेंट फैक्ट्री के साथ हमारे एग्रीमेंट MOU साइन हो गए हैं जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हर एक ULB से ये मटेरियल उठाएगी और उनको पैकेजिंग मटेरियल भी उपलब्ध कराएगी। अर्बन डेवलपमेंट के डायरेक्टर राम कुमार गौतम ने सोलन में प्लास्टिक एकत्रीकरण केंद्र का भी शुभारंभ किया जिसमें 75 किलो के हिसाब से प्लास्टिक खरीदा जाएगा और प्रदेश की बड़ी कंपनियां इस प्लास्टिक का प्रयोग करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।